हेलो एवरीवन दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मोस्ट पेबल क्वेश्चन फॉर नीट एंड जे इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्लोबियम केमिकल इक्लोबियम देखिए इसका पहला क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एक्टिव मास इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास चार ऑप्शन हैं इक्वियम कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ़ रिएक्टेंट ऑफ़ एपरेटस और चौथा कहता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यस दस सेकेंड का टाइम लीजिए या फिर वीडियो को पाउज कर दीजिए और सोचिए और डिसाइड कीजिए चलिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसका आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है लॉ ऑफ मासन कहता है कि किसी भी रिएक्शन uh, का जो रेट हम डिसाइड करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम अगर इक्लेबियम का होगा तो इक्लेबियम पर कर लेंगे या किसी भी टाइम का होगा उस टाइम कर लेंगे हमेशा का नहीं लेते हैं और इसका पावर में एक चीज़ याद रखेंगे इसके पावर में होता है मोलर कोफिशियंट मोलर कोफिशियंट मतलब यानी नंबर ऑफ मोल्स जैसे यहाँ पे जैसे मान लो दो मोल है तो ये कहाँ चला जाएगा इसके पावर में चला जाएगा दो क्लियर है चलिए इसका मैंने एक दो एग्ज़ाम्पल लिया है ताकि यहाँ पे बहुत कुछ मैं समझा सकूँ मैं बार बार कहता हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे थ्योरी मैं क्लियर कर दूंगा जैसे मान लो ये कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हमको वेट दे रखा है तो मोल कैसे निकालते हैं आप ही बताओ वेट बाय मोलिकुलर वेट मोल मिल गया तो यहाँ देखो मोलर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है एन बाई भी अब जब मोल निकाल लोगे या मोल दिया रहेगा तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो दिया रहेगा क्योंकि जो गैस होता है वो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है तो उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ये टर्म क्लियर हुआ तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अब देखो इक्लेवियम पे होता क्या है यहाँ पे दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक फॉरवर्ड वाला तो फॉरवर्ड के रिएक्टेंट कौन ए और बी तो ए इंटू बी का बी का क्या हो गया स्क्वायर क्यों स्क्वायर हुआ क्योंकि बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना था दो तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए कौन आया मेरा एक कॉन्स्टेंट के एफ यानी कि दिस इज द रेट कॉन्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्लियर है इंटू ए कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी क्लियर है सेम अगर ऐसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखोगे तो कंसनट्रेशन ऑफ सी टू दी पावर फोर चूंकि इसका चार मोल था इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी लेकिन यहाँ पे देखो हमने डी को छोड़ दिया डी को नहीं लिया क्यों नहीं लिए डी को तो फिर से आते हैं वहाँ पे रिएक्शन पे और से देखोगे इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में देखो डी मेरा क्या था सॉलिड डी को गौर से देखो डी कैसा था सॉलिड अब एक चीज़ याद रखना कि कहीं भी सॉलिड का अगर केस आता है सॉलिड का अगर केस आता है तो सॉलिड का हम एक्टिव मास यानी कि ये जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको हम मान लेते हैं वन तो वन से किसी को मल्टीप्लाई करोगे या इसको हम मल्टीप्लाई करो तो कितना वन ही रह जाएगा तो इसीलिए इसको हम देखोगे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं क्योंकि इसका एक्टिव मास वन क्यों हो जाता है ये भी हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन में अब देखो तो जब मेरे पास दो रेट मिल गया एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विबियम पे क्या होता है दोनों रेट बराबर होता है तो दोनों को हमने बराबर कर दिया तो जैसे ही हमने बराबर किया गौर से देखो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए अब यहाँ भी एक कॉन्स्टेंट यहाँ भी एक constant. कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही मिलेगा यही मेरा मिलता है फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वही कहलाता है इक्लेबियम कांस्टेंट इक्लेबियम कांस्टेंट तो ये क्या आ गया कौर से देखो सी क्या था प्रोडक्ट में और ए और बी क्या था रिएक्टेंट में तो ये क्या आ गया कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये मेरा आ गया किसका कंसनट्रेशन ऑफ सी ये क्लियर है एक्सप्रेशन चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैंने ले लिया है के पी का वो भी देख लो एक्बियम इन टर्म्स ऑफ के पी तो के पी कब लेते हैं जब वो गैसियस कॉम्पोनेंट का कंसनट्रेशन नहीं दे करके प्रेशर दिया रहे तो हम लेते हैं एक्बियम कॉन्सटेंट में कौन सा एक्सप्रेशन लेते हैं के पी और अगर कंसनट्रेशन दिया रहता है तो के सी लेते हैं यहाँ देखिए मोलर कंसनट्रेशन यानी मोल्स पर लीटर में लिखा है तो क्या लिखते हैं के सी और अगर वो कंसनट्रे कंसनट्रेशन के जगह प्रेशर दे दिया तो उसको हम क्या लेते हैं के पी अब यहाँ देखो कैसे आता है तो गैसियस इक्वेशन क्या होता है पी बराबर गैसियस इक्वेशन आप पढ़ रखा है आपने पढ़ रखा है पी भी बराबर एन आर टी तो पी बराबर क्या हो गया एन बाई भी इंटू आर टी एन बाई भी क्या हो गया मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि कंसंट्रेशन तो पी बराबर सी आर टी अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो प्रेशर नहीं प्रेशर नहीं केवल कांस्टेंट टेम्परेचर को तो कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे तो आर तो पहले से कांस्टेंट है टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट हो गया प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के यानी कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गैस कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पर हम के पी बराबर अगर लिखना होगा तो वही एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा वहाँ था सी का कंसनट्रेशन ऑफ सी का यहाँ हो जाएगा पार्सियल प्रेशर ऑफ़ सी नीचे था कंसनट्रेशन ऑफ ए तो आ गया पार्सियल प्रेशर ऑफ ए वहाँ था कंसनट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा पार्सियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर तो कहो गया पार्सियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे यहाँ देखो पार्सियल प्रेशर निकालने का तरीका होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर अगर मोल के टर्म में दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन उसका ले लो और टोटल प्रेशर से गुना कर दो तो कहोगे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर में और से देखो सी का निकालना था सी का मोल ऊपर में डिवाइडेड बाई टोटल तो ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन ये वाला और उसको टोटल प्रेशर से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा पार्सल प्रेशर ऑफ सी ये कंसेप्ट समझ में आया फिर से सुनिएगा जैसे मान लो टोटल प्रेशर 10 है ठीक है सी का मोल्स दो है और मान लो आपका टोटल मोल्स पाँच आ गया तो कितना आ जाएगा पाँच से इसको दस को काटोगे ये दो बार में कटा दो दो चार यानी कि टोटल कितना हो जाएगा चार आएगा पार्सल प्रेशर किसका सी का लेकिन एक और टर्म है जिसमें पार्सल प्रेशर हम निकालते हैं जैसे अभी अभी हमने आपको पढ़ाया किसी का भी पार्सल प्रेशर निकालने का तरीका क्या पढ़ा सी इसी टर्म को हम यूज़ करेंगे गौर से देखो अगर हमको मान लो कंसनट्रेशन दिया हुआ था मोल वगैरह का टर्म नहीं दिया हुआ था तो कंसनट्रेशन इंटू आर टी अभी अभी पढ़ा हाँ मैंने सी आर टी तो ए में क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ़ ए बराबर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी इस तरह से लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ़ बी बराबर कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी प्रेशर ऑफ़ सी बराबर कंसनट्रेशन ऑफ सी इन आर टी क्लियर है कंसेप्ट तो अगर अब ये मेरा के पी आ जाएगा तो कहता है के पी और के सी के बीच क्या रिलेशन होता है तो इस रिलेशन को याद रखिएगा ये बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं के पी बराबर के सी इंटू डेल्ट के सी इंटू आर टी इंटू टू दी पावर डेल्टा एन यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फिर से आपको याद रखना है के पी बराबर के सी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन सारा टर्म यहाँ पे समझिएगा अभी अभी आप इतने समझा था के पी था जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब प्रेशर के टर्म में लिखते हैं के सी था जब मोलर कंसनट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो एकबियम कॉन्स्टेंट आर है आपको पता है ये क्या है गैसियस कॉन्स्टेंट जिसको यूनिवर्सल कॉन्सटेंट भी कहते हैं टी है टेम्परेचर केलबिन में लेते हैं और डेल्टा एन को देखो कहीं कहीं डेल्टा एन जी लिखा रहता है जी का मतलब समझो पहले डेल्टा मतलब चेंज किसका चेंज नंबर ऑफ मोल्स किसका जी मतलब गैसियस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेड याद रखना है प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स किसका रिएक्टेंट का वो भी कैसा गैसियस केबल और केवल गैसियस लेते हैं केबल और केवल क्या लेते हैं गैसियस क्लियर है अब आइए आर का वैल्यू आर जो होता है आर का वैल्यू होता है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटमोसफेयर पर मोल पर कैलमीन अगर हमको लीटर एटमोसफेयर में लेना हो तो जनरली यहाँ पर लीटर एटमोसफेयर में ही लेते हैं तो हम एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पर ये यह सब वैल्यू आपको कहीं मिलेगा नहीं सबको याद रखना आर का वैल्यू एकदम याद रखना ट्रिकी तरीके पे बनाने के लिए इतना नहीं लिख करके वन बाई ट्वेल्व लिख देना एक्चुअल में जब इसको आप निकालोगे तो ये देखोगे इतना आएगा वन बाई टूवेल्व एक बटे बारह एक बटे बारह को आप निकालो ना कितना आ जाएगा जीरो तो पॉइंट जीरो मतलब यहाँ पर दो जीरो रखोगे तो सौ होगा और बारह अट्ठे कितना होता है छियानवे यानी कि जीरो पॉइंट जीरो एट वही आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो एट यानी एक याद रखना आर का वैल्यू लीटर एटमोसफेयर में कितना एक बट्टे बारह ये ट्रिक पर याद रखो क्वेश्चन बनाने में बड़ा काम आएगा और टेम्परेचर किस में लेना है केलुन में तो चलिए इतना आपका एक्सप्लानीशन मैंने पहले क्वेश्चन के लिए लिया ताकि इसके पेरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बन जाने चाहिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है एक रिएक्शन दिया है एन से एन ओ इस तरह से टूट रहा है जिसका के दिया हुआ है तो पूछा है वैल्यू ऑफ के एक बताओ उसी टेम्परेचर पे रिएक्शन है जस्ट उसका गौर से देखो इस रिएक्शन को देखो जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन है लेकिन गौर से देखो इस उल्टे रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भी घट गया ठीक है अब वो कैसा कोरिलेशन है इसको आपको समझना है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देनी है यस yes, चार ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन क्लियर हो गया एक इक्वेशन कुछ इक्वेशन दिया हुआ था जिसके लिए आपको के सी का वैल्यू था जस्ट दूसरा इक्वेशन दिया उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है यानी के निकालना है इस रिएक्शन के लिए और इसके लिए दिया हुआ yes, है यस जल्दी सोचिए आपके पास चार ऑप्शन है सबसे अच्छा तरीका है वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए चलिए हम आपके एक्सप्लानीशन की ओर प्रोसीड करते हैं इसको दे आप देखिएगा देखिए यहाँ पे एक्सप्लानेशन में मैंने चार ट्रिक्स ले रखे हैं इस चारों ट्रिक्स को आप कहीं लिख के याद कीजिए देखिए जब कोई रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं तो इक्लिबियम कांस्टेंट भी इनवर्स हो जाता है उलट जाता है यानी के टू बराबर वन बाई के वन जब किसी इक्वेशन को हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहाँ देखो इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर रहे हैं यहाँ देखो तो जब हम किसी इक्वेशन को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहाँ ए से बी में जा रहा था तो के वन बराबर क्या लिखोगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट यानी बी बाई ए लेकिन जब हम उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी बाई ए का पावर एन आ जाएगा क्योंकि बी का पावर एन एन ए का पावर भी क्या हो जाएगा एन यानी के टू बराबर क्या हो जाएगा के वन का पावर एन यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फैक्टोरियल से वो फैक्टर कहाँ चला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में इट इज़ क्लियर चलिए नेक्स्ट आते हैं जब हम किसी दो रिएक्शन को अगर जब हम ऐड करते हैं ऐड करते हैं तो गौर से देखो यहाँ पे हम मेरा एक्बियम कॉन्सटेंट को इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को गुना करना पड़ता है यानी के थ्री बराबर मेरा क्या हो गया के वन इंटू के टू कैसे चेक करो से रिएक्शन है ए से बी में जा रहा है तो के वन तो के वन बराबर बी बाई ए दूसरा रिएक्शन है सी से डी में जा रहा है तो के टू बराबर डी बाई सी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट क्लियर है अब गौर से देखिए दोनों को हमने जोड़ दिया तो ए प्लस सी बी प्लस डी के थ्री क्या हो जाएगा गौर से सोचना यहाँ पर के थ्री बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट है बी और डी यहाँ बी और डी रिएक्टेंट है मेरा ए और सी तो नीचे ए इंटू सी कौन से देखो B बाई ए ये क्या था K1 और D बाई सी क्या था K2 तो इसके जगह आ गया K1 इसके जगह और इसके जगह आपका आ गया K2 यानी K3 बराबर क्या हो गया K1 वन इंटू के क्लियर है कंसेप्ट यानी जब किसी दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो क्लिबियम कांस्टेंट का गुना करना पड़ता है इसको आप याद रखिए चार ट्रिक्स है चारों ट्रिक्स को हम थ्योरेटिकली पहले समझा दे रहे हैं अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे मान लो कोई कोई दो रिएक्शन को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़े तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वहाँ डिवाइड करना पड़ता है कहोगे कैसे चेक करो जैसे वही ऊपर वाला जो दो रिएक्शन था उसको हमने डिवाइड कर दिया सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दिया घटा दिया तो ए माइनस सी इधर प्रोडक्ट में बी माइनस टी तो माइनस में नहीं छोड़ते हैं तो क्या करोगे इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो अब देखो तो प्लस में आ गया अब जब प्लस में आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी बी सी ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा ए डी यहाँ पर एक्सप्रेशन है चलिए अभी, अभी अभी आपने जो पढ़ा था उसको अब हम एक जगह कंपाइल करने की कोशिश करते हैं देखो यहाँ पर अभी अभी हमने क्या देखा था कौन से देखो बी बाई ए बराबर क्या था के वन तो बी बाई ए बराबर क्या आ गया के वन यहाँ था डी बाई सी बराबर के टू यहाँ है C बाई डी तो ये आ जाएगा वन बाई के टू तो के टू मेरा नीचे चला गया इसका मतलब क्या मिला जब हम दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ता है और जब किसी दो को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गुना करना पड़ता है क्लियर है चलिए अब उस क्वेश्चन पे जाते हैं इस क्वेश्चन में क्या था इस क्वेश्चन में अभी अभी आपने देखा था कि जो दूसरा इक्वेशन था वो पहला का रिवर्स था तो रिवर्स में क्या हो जाएगा वन बाई के वन क्लियर है और जस्ट इसको चलो उस क्वेश्चन पे पहले जाते हैं इस क्वेश्चन को देखो जस्ट यहां एनो है यहां टू एनो NO है तो यहां एनो NO है और जो यहां फैक्टोरियल है दूसरा वही ओ टू है यहां पे और जो यहां पे कॉम्पोनेंट एनओ टू है वही एन टू लेकिन गौर से देखो जब हम इसको यहाँ लाए होंगे यानी हाफ़ से मल्टीप्लाई किए होंगे यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है हाफ और जस्ट रिवर्सिबल है यानी कि यहाँ पे जो K2 हो जाएगा वो वन बाई के वन का और पावर में क्या चला जाएगा हाफ़ पावर में क्या चला जाएगा हाफ तो वन बाई के वन टू दावर हाफ़ चलिए अब उस एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं यानी कि एबव इक्वेशन में k2 बराबर वन बाई के वन का पावर कितना हो गया हाफ वैल्यू पुट कीजिए तो वन बाई यहाँ देखो इसको भी आपको सही से सॉल्व करने आना चाहिए चलिए यहाँ देखिए वन बाई वन पॉइंट एट है तो एक काम करो ऊपर में अगर हंड्रेड ले लेंगे तो इधर कितना बचेगा टेन टू तो द पावर फोर ये माइनस सिक्स ऊपर जाएगा तो प्लस सिक्स दो जीरो हटा लिए अब हंड्रेड को वन पॉइंट एट से डिवाइड करोगे तो फिफ्टी फाइव के आसपास होगा कहोगे अब इसका हमको रूट निकलना है तो टेन टू तो पावर फोर बराबर टेन टू तो द पावर टू आ गया ये क्लियर है अब 55 है तो रूट अगर निकालना है तो एक काम करो सात को सात से गुना करोगे तो 49 नाइन आठ को आठ से गुना करोगे तो कितना आएगा 64 यानी कि सात से ज़्यादा आठ से कम कोई आपको यहाँ पे रूट वगैरह निकालना नहीं खुद से सोचो सात से ज़्यादा आठ से कम ऑप्शन में चेक करो एक ही ऑप्शन है सेवन पॉइंट फाइव इन टू टेन टू दू हो गया आंसर एकदम एक्यूरेटली सॉल्व करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एस टू से टू एन एस थ्री और हीट निकल रहा है आपके लिए पूछा है के पी का क्या एक्सप्रेशन होगा यस के पी बराबर क्या होगा यस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी बनाइए चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं देखिए सबसे पहले हम डेल्टा एन निकालेंगे क्यों क्योंकि हमने पढ़ रखा है के पी बराबर के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन डेल्टा एन में भी क्या निकालते हैं डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेकिन केवल कौन सा गैसियस अब वहाँ देखो इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट में कितना मोल है दो मोल गैसियस है और रिएक्टेंट में यहाँ तीन और यहाँ एक तो यहाँ कितना हो गया चार और यहाँ कितने हैं दो यानी कि टू माइनस चार यानी कितना मिला माइनस टू क्लियर है चलिए तो यहाँ जैसे ही माइनस टू आया तो पावर में चल जाएगा मेरा कितना माइनस टू एक चीज़ यहाँ पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि के सी और के पी का कहीं अगर यूनिट लिखना हो तो कैसे यूनिट लिखते हैं आप जो निकालना है पहले निकाल लीजिए के सी के पी हमने निकालना सिखा दिया देखो के सी कब था जब यूनिट किस में लिए थे मोल्स पर लीटर में तो टू दी पावर डेल्टा एन ये डेल्टा एन अभी निकालने सीखे आपने और के पी होगा तो यूनिट ऑफ प्रेशर टू दी पावर डेल्टा एन वही फिर डेल्टा एन यूनिट ऑफ प्रेशर जो भी लिखा हो बार लिखा हो एटमोसफेयर लिखा हो पास्कल लिखा हो जो भी हो उसको लेकर के उसका पावर क्या कर दो डेल्टा है ना आपका यूनिट ऑफ आप के पी आ जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन आपका के का वैल्यू दिया है पूछा है कि किस रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीशन की ओर है यस वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी बनाइए हम आपको आगे प्रोसीड करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए इक्लिवियम कॉन्सटेंट कैसे लिखते हैं कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ समझिएगा कहीं पे के का वैल्यू टेन टू पावर थ्री यानी थाउजेंड आ गया इसका क्या मतलब हुआ ये के इक्लियम बराबर थाउजेंड बाई वन यानी कि प्रोडक्ट मेरा एक हज़ार है तो रिएक्टेंट कितना है वन गौर से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक हजार बटे एक यानी प्रोडक्ट मेरा एक हजार टाइम्स प्रोडक्ट का, का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन तो ये कब होगा जब रिएक्शन नियरली टू बी कंप्लीट होगा तो कहने का मतलब जिसमें के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा कहता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ थाउजेंड टाइम्स ग्रेटर देन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सो रिएक्शन इज नियरली टू कंप्लीशन ये कंप्लीशन की तरफ है क्लियर है क्वेश्चन जिसमें के का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसको आप मार दीजिएगा आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, है एक्लिबियम का वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जो उसका कंसेप्ट हम लोग को यूज़ करना है कहता है इन द रिएक्शन में पी सी एल फाइव से पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू है तो कहता है दी अमाउंट ऑफ पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री एंड सी एल टू और टू मोल्स एट इक्लेबियम यहाँ पे इक्लेबियम का आपको दे रखा है और टोटल प्रेशर दे रखा है तो पूछा है वैल्यू ऑफ के पी बताओ तो वो के पी पूछा है टोटल प्रेशर दिया हुआ है और सबका इक्लेबियम पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है यस वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए इसको बनाइए चलिए हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए यहाँ पे यहाँ पे जब देखिएगा आप तो हमको इक्लेबियम का चूंकि मोल्स दिया हो चूँकि हमको के पी निकालना था के पी में याद करो कंसंट्रेशन ऊपर में नहीं होता ऊपर में क्या होता है सबका प्रेशर कौन सा प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ये क्लियर है अब यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या निकालते हैं पहले मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन में हमको चूंकि यहाँ पे देखो सबका मोल दिया होता दो मौल, दो मौल, दो मौल। तो मौल है दो मोल दो मोल दो मोल तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल देखो तो, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना मिलेगा सिक्स मोल तो सबको सिक्स से डिवाइड कर दिया तो देखो तो, तो सबका वैल्यू वन बाई थ्री आ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका बताओ मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन हो गया मेरा वन बाई थ्री और टोटल प्रेशर है कितना तीन यानी सब में वन बाई थ्री इंटू थ्री वन बाई थ्री इंटू थ्री यानी सब का आ गया वन ए टी एम यानी पार्शियल प्रेशर आ गया मेरा कितना वन ए टी एम तो वन ए टी एम आ गया पार्शियल प्रेशर तो ऊपर में वन इंटू वन डिवाइडेड बाई वन आंसर भी कितना आ जाएगा वन कहोगे अब यूनिट क्या होगा तो एक बात बताओ के पी इस रिएक्शन के लिए पहले डेल्टा n डिसाइड करो कितना है प्रोडक्ट में दो मोल और रिएक्टेंट में एक मोल यानी एक यानी डेल्टा एन बराबर वन वन रखोगे कि किसी का पावर तो जो है वैल्यू वही रह जाएगा यानी वन ए टी एम होगा किसका वैल्यू के कि पी का वैल्यू क्लियर है चलिए नेक्स्ट आते हैं कहता है एक ग्राम मोल किसका है इथाइल अल्कोहल का एंड एक ग्राम मोल है एसिटिक एसिड का जिसको मिक्स किया है एट इक्वियम जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम ऑफ ईस्टर इज इस प्रेजेंट दी वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांगा है यानी प्रोडक्ट में से एक दे रखा है अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ स्टर बनेगा स्टेरिफिकेशन है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी है। यस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो शुरुआत में इसका एक ग्राम मोल एक ग्राम मोल दिया था ये दोनों कितना है ज़ीरो प्रोडक्ट मेरा जीरो होगा कहा था एकम पे इसका इतना बना यहाँ देखना इसके एक मोल से एक मोल बन रहा है तो अगर ये इतना बन रहा है तो ये इतना टूट रहा होगा यही सोचना है कि अगर मान लो एक रुपया में से हमने साठ पैसे छियासठ पैसे खर्च कर दिए तो मेरे पास बन बचेगा कितना वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स 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 फिर सुना इसके एक मोल से ये भी कितना बन रहा है एक मोल एक मोल से एक मोल बना तो जब ये 0.66 पॉइंट खर्च करेगा तो ये 0.66 बनेगा एक मोल से एक मोल तो 0.66 पॉइंट मोल से 0.66 पॉइंट मोल क्लियर है कंसेप्ट तो इसका मतलब ये इक्लिवियम पे बचेगा कितना 0.344 ये भी 0.344 और ये 0.66 है तो ये भी 0.66 पॉइंट के सी कैसे कैलकुलेट करते हो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्लियर है प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन यहाँ था रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन यहाँ था सबको हमने पुट कर दिया ये इससे दो बार में कटा ये इससे दो बार में कटा यानी कि यहाँ पे मेरा के सी का वैल्यू कितना आ गया चार क्लियर है कंसेप्ट खुद से बनाइए जब एक्सप्लानशन कम से कम देख के ही बनाइए लेकिन बनाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कहता है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर बिल दस डिग्री से टेम्परेचर को राइज करेंगे एक्सोथर्मिक सौ का रिएक्शन है तो रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्लेबियम कांस्टेंट डबल दी वैल्यू ऑफ इक्लिबियम कांस्टेंट नो एनी चेंज इन इक्लिबियम कॉन्स्टेंट समीज इन इक्लोबियम कॉन्स्टेंट यस जल्दी बताइए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी डिसाइड कीजिए चलिए हम आपको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं यहाँ देखिए इसका एक्सप्लानीशन जैसे ऑफ का जो रिलेशन है वेंट ऑफ का रिलेशन क्या कहता है जैसे दो अलग अलग रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है दूसरे का K1 है मतलब पहले का K1 है दूसरे का K2 टू है, है, टू है तो ये क्या होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इन टू वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू जहाँ पर टी टू टेम्परेचर टी वन से क्या होना चाहिए ज़्यादा अगर मान लो मेरा रिएक्शन मेरा कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है देखो एक मिनट पहले इसको समझ लेना पहले इसको एक बार समझो ये सेम रिएक्शन का दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो अलग अलग टेम्परेचर पे लिया गया है क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे तो K1 है T1 केल्विन पे और K2 है मेरा T2 केल्विन पे तो उसके लिए मेरा रिलेशन जो वेंट ऑफ दिया था उसी का ये इक्वेशन है ठीक है अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक्सोथर्मिक में एक्सोथर्मिक में क्या होगा चूंकि हीट बाहर निकल जाएगा तो टेम्परेचर बदलेगा तो उसी का इफेक्ट देखना है कि इक्लिबियम पे क्या पड़ा इक्मियम कॉन्स्टेंट पे क्या पड़ा तो चलो एक्सोथर्मिक में हमें पता है डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है निगेटिव तो गौर से देखो पहले उसको सामने रखते हाँ डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है निगेटिव तो यहाँ पे अगर इसको हम निगेटिव रख देंगे तो ये टोटल का टोटल वैल्यू कैसा आ जाएगा निगेटिव तो जब ये टोटल निगेटिव आ गया यानी किसी का भी लॉग का वैल्यू निगेटिव होगा तो याद रखना नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा होगा ऊपर वाला वैल्यू कम होगा क्योंकि जैसे ही पॉइंट में वैल्यू आएगा कहीं पे तो लॉग का वैल्यू क्या शो करेगा निगेटिव लॉग जो भी पॉइंट में रहता उसका है उसका वैल्यू कैसा आता है निगेटिव यानी यहाँ पे K1 बड़ा है किससे K2 से फिर से देख लो निगेटिव आया लॉग का वैल्यू यानी नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा होगा यानी K1 वन विल बी ग्रेटर K2 के चलो अब दूसरा रिलेशन देखो दूसरा और तीसरा एक साथ देख लो इंडो में डेल्टा डेल्टाइज कैसा होता है पॉजिटिव यानी पॉजिटिव है यानी मान लो अगर 10 का वैल्यू मान लो 10 है तो लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है वन लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है वन तो ऑफ कोर्स ये लॉग टेन का वैल्यू वन होता है यहाँ पे लॉक का हम कितना वैल्यू रखेंगे कि यहाँ टेन आए तो ऑफ कोर्स याद रखो दस का पावर कितना रखना होगा दस तब मेरा वैल्यू कितना आएगा टेन लॉग टेन टू द पावर टेन बराबर कितना आता है टेन यानी कि यहाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है ऑफ कोर्स नीचे वाले से कितना होगा ज़्यादा होगा तभी यहाँ पे कैसा वैल्यू आएगा पॉजिटिव अभी ना बोला ये टेन टू पावर दिन टाइम्स अगर इससे ज़्यादा रहा होगा तब ना यहाँ दस आ रहा होगा तो इसका मतलब के टू इज़ ग्रेटर देन के वन कब जब मेरा इंडोथर्मिक होगा और अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच जीरो है कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है तो हीट का एक्सचेंज नहीं है लॉक जीरो बराबर लॉक जीरो किसका वैल्यू होता है वन का तो वन यहाँ पे कब आएगा जब के वन इज इक्वल टू के टू यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा फिर से सुन लो इंडो एक्सोथर्मिक में क्या मिला एक्सोथर्मिक में जब निगेटिव था तो इक्लेवियम कांस्टेंट का वैल्यू घट गया इंडोथर्मिक में जब हीट दिए तो इक्लेवियम कांस्टेंट बढ़ गया जब कोई हीट नहीं दिए और नहीं आया तो दोनों का वैल्यू क्या है सेम तो ये तीन वैल्यू याद रखिए पता नहीं किस टर्म में पूछेगा हमें नहीं पता लेकिन इस तरह से थ्योरी क्वेश्चन के थ्रू जो हम थ्योरी पे जाते हैं उसे ढंग से कीजिए काम आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है सी ए सी ओ थ्री से कहाँ जा रहा है सी ए ओ और सी ओ टू में कहता है इन्हें क्लोज कंटेनर एट इक्लेबियम व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सी ए सी ओ थ्री ऑन इक्लेबियम कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्लेबियम कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू पे जब इक्लेबियम पर है और हम किसको मिला रहे हैं सी ए सी ओ थ्री को ऑप्शन है आपके पास चार जल्दी सॉल्व कीजिए इनक्रीज डिक्रीजेज रिमेन अनइफेक्टेड और नन ऑफ दी अवर चलिए पाउज कर लीजिए जो सोचना है सोचिए हम आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा तो मोलर कंसनट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं मास बाय वॉल्यूम मोल्स बाय वॉल्यूम मोलर कंसनट्रेशन है सॉरी मोल्स बाय वॉल्यूम और मोल किससे निकालते हैं मास से तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है तो ये अब किसको डोनेट करें डेंसिटी और डेंसिटी कैसा पैरामीटर होता है इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है कौन मोलर कंसनट्रेट डेंसिटी नहीं डिपेंड करता है इसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में देखो होता क्या सॉलिड और लिक्विड के केस में जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है कहता है वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड डज नॉट चेंज एक बात होता है जब वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगा तो इसका मोलर कंसनट्रेशन क्या रहेगा नियरली कॉन्स्टेंट तो यही करना है कारण है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एडिशन भी करोगे तो उसका एक्टिव मास या मोलर कंसनट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है यही कारण कि इसको कंसिडर नहीं करते हैं किसमें इक्लिबियम e के एक्सप्रेशन में फिर से सुनिएगा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो यही कारण है कि कहता है बाय द एडिशन ऑफ सी ए सी ओ थ्री एटिक्लियम दी कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ टू रिमेन्स अनफेक्टेड क्लियर है इसको एकदम यही चीज़ याद रखिएगा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं लेते हैं नहीं लेने का मतलब इसका जो कंसनट्रेशन होगा मोलर कंसनट्रेशन उसको हम वन मान लेते हैं कितना मान लेते हैं वन चूँकि वो कांस्टेंट हो गया कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मोलर कंसनट्रेशन या एक्टिव मास कितना मान लेते हैं वन चलिए तो कहता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यहाँ पे आप किसी भी सी ए सी ओ थ्री को डालो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे सी ओ टू पर यानी कंसंट्रेशन वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो खैर किसी पे डिपेंड नहीं करता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ देखो एक रिएक्शन है जिसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के वन दिए हुए हैं दूसरा रिएक्शन उसके लिए के टू दिया तो तीसरा के लिए मांगा है कि के का वैल्यू क्या होगा ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन से आपके पास चार ऑप्शन है यहां पे दिए हुए यस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए चलिए हम आपको प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। देखो जो मेरे पास गिवन है ये और ये इस दोनों इक्वेशन से हमको किसी भी तरह से ये लाना है तो क्या क्या प्रोसेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा एनओ क्योंकि ये और ये कट जाएगा टू एनओ बचेगा और यहाँ रिएक्टेंट में एनो है एनओ है यानी कि इसका हमको हाफ लाना होगा दोनों को जोड़ के अगर हम हाफ़ कर देंगे पावर में हाफ़ से मल्टी मतलब इसके इसको हम हाफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन पे आते हैं गौर से देखो इन दोनों रिएक्शन को हमने जोड़ दिया जोड़ दिया तो ये आ गया अब हमको लाना ये था तो गौर से देखो तो इससे जब हम यहाँ आएंगे तो एक तो उलट रहा है तो उलट रहा है तो क्या हो जाएगा पहले इसका रिवर्सिबल यानी वन बाई के थ्री और चूंकि यहाँ दो था और यहाँ क्या है वन ये कैसे आएगा जब भी उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और अभी अभी हमने आपको सिखाया था जिस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो कहाँ चला जाता है पावर में यानी वन बाई के थ्री का क्या चला गया पावर हाफ तो ये हो जाएगा के बराबर वन बाई के वन इंटू के टू टू पावर हाफ क्लियर है कंसेप्ट चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन है इज़ लेस देन जीरो यानी जीरो से कम है पूछा है ऐफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्स फोर एक्स वाई फोर विल फॉर्म्ड एट चार कंडीशन दिया हुआ है यानी कि ये प्रॉब्लम आपका ले चैटेल प्रिंसिपल पे बेस्ड है यस जल्दी बनाइए वीडियो को पॉज कीजिए सोचिए और चार ऑप्शन है और थोड़ा डिसाइड कीजिए क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन में हाई लो हाई हाई लो लो हाई लो कुछ नहीं समझ में आता कौन सा ऑप्शन होगा लेकिन अगर कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन बनेंगे देखो इसका एक्सप्लेनेशन पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ देखो चूँकि यहाँ पे मोल कितना है दो और इसको दोनों को जोड़ दोगे तो पाँच मोल पाँच से दो में जा रहा है यानी कि हाई प्रेशर क्या होना चाहिए हाई प्रेशर क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कंप्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा घटेगा तो हाई प्रेशर का आ गया और एक यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए कम हो गया मेरा आंसर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फलांबर एन सर है चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं या देखो यहाँ पे पाँच मोल इधर दो मोल पी भी बराबर क्या होता है एन आर टी यानी कि अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय भी तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है कौन देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ रहा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर इंटू वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा उसको कम करने के लिए वो उधर प्रोसीड करेगा जिधर मोल्स क्या है कम है तो किधर प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कब जब हाई प्रेशर होगा अगर इसको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो ऐसे समझो यहाँ कितना मोल पाँच मोल यहाँ कितना मोल दो मोल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कंस्ट्रिक्शन होगा कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन होगा तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा घटेगा घटेगा तो आपको उस किधर जाएगा प्रोडक्ट में यानी हाई प्रेशर में, में मेरा ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्लियर है और चूँकि एक्सोथर्मिक था तो टेम्परेचर कैसे कैसा होना चाहिए लो क्लियर है कंसेप्ट चलिए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये रिएक्शन है आपका सी ए सी ओ थ्री से सी ए और सी ओ टू में जा रहा है तो आपको मांगा है कि डेल्टा एज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दी फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लॉट्स किस प्लॉट से मेरा डेल्टा एच इसका डिटरमाइंड होता है यस yes. बताइए डेल्टा एच रिएक्शन किस प्लॉट से इसका डिटरमाइंड होता है आपके पास चार ऑप्शन है वीडियो पॉज कीजिए और बड़े अच्छे से सोचिए ये वेंट ऑफ रिलेशन पे बेस्ट है क्वेश्चन आपको बनाना है चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बात बताओ यहाँ देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था वेंट ऑफ रिलेशन में लॉग के बराबर लॉग ए माइनस डेल्टा एच बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी सी ए सी ओ थ्री में ये जो अफकोर्स जो डेल्टा एच होता है कैसा होता है पॉजिटिव होता है हो कहोग कैसे पॉजिटिव होता है हमें तो नहीं पता चलो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं है हमको नहीं पता अब एक बात बताओ यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये जो आपका ये वाला जो पहला वाला जो इक्वेशन था इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे डालो तो इस रिएक्शन के लिए के पी कैसे लिखोगे केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू क्योंकि गैसियस है ये सॉलिड है ये सॉलिड है उसको कंसिडर नहीं करना है ठीक है तो के पी बराबर क्या हो गया केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू तो इस रिएक्शन के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे के पी के के जगह कौन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू ठीक है बाकी सब चीज़ सेम है यही हमको डेल्टा एच सोचना है कि इसमें क्या होगा इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे डालो तो ये y एक्सिस पे ये मेरा एक्स एक्सिस पे तो ये बताएगा स्लोप और ये बताएगा सी यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो देखो तो स्लोप यहाँ पे कितना आ गया ये वाला वैल्यू ये माइनस में है यानी निगेटिव स्लोप है तो स्लोप अगर मेरा निगेटिव है स्लोप अगर मेरा निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव कब होगा जब डेल्ट यहाँ पे डेल्टा है इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रह जाए क्योंकि ये भी निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे स्लोप कैसा है निगेटिव टेन थीटा निगेटिव यानी थीटा का वैल्यू कितना नाइन्टी से ज़्यादा चलो क्वेश्चन पे आओ सॉरी क्वेश्चन पे आओ यहाँ देखो क्वेश्चन को गौर से देखो तो स्लोप का वैल्यू 90 से ज़्यादा जब किसके इसके बीच ग्राफ खींचा गया 1 बाई टी वर्सेस लॉग पी सी ओ टू पे गौर से देखो तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एंगल देखोगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है नाइन्टी से ज़्यादा तो ये इक्वेशन आपका क्लियर है मतलब तो ये आपका ग्राफ इससे निकल के आता है कि यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है निगेटिव क्योंकि निगेटिव होगा तभी मेरा स्लोप कैसा आएगा निगेटिव स्लोप यानी टेंथ थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है नाइन्टी से ज़्यादा ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री क्लियर है अगर नहीं क्लियर होता दो बार कम से कम वीडियो को देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं सेम ऐसे से ही क्वेश्चन लेते हैं कि कार्बन से ओ से रिएक्ट किया सी में गया तो हीट निकला हीट निकला कैसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक पूछा कौन सा ग्राफ इसको प्लॉट करता है पहला था मेरा इंडोथर्मिक अब है एक्सोथर्मिक जल्दी बताइए इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसका जो आंसर है ये है पहला है कहोगे कैसे चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं या देखो अभी अभी हमने आपको सिखाया था लॉग के टर्म में यहाँ नेचुरल लॉग है तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है फॉर एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव तो यहाँ निगेटिव रख दो तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बस यही समझना है आपको इसे समझिएगा हमने क्या बोला ये वैल्यू यहाँ जब हम रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया स्लोप पॉजिटिव है स्लोप पॉजिटिव है यानी कि टेन थीटा का वैल्यू 90 से कम है गौर से देखो एक्स पे थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ होगा मैच करो इससे क्वेश्चन में ये आपका ये पहला वाला क्वेश्चन पहला वाला ऑप्शन है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कहता है टू मोल्स ऑफ एन टू इज मिक्सड विथ सिक्स मोल्स ऑफ एस टू इन ए क्लोज वेसल ऑफ वन लीटर इफ फिफ्टी परसेंट ऑफ एन टू इज कन्वर्टेड इन टू एन एस थ्री आर्टिकल दैल्यू ऑफ के सी यस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी बनाइए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह का टर्म आएगा जो कि हम आपको मोलर कॉफिशन में सिखाएंगे यस चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लानशन यहाँ देखो देखो जैसे है थ्री एस टू से रिएक्ट किया तो टू एन एस थ्री बना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था इसका दो मोल इसका छः मोल तो शुरू में प्रोडक्ट कितना होगा जीरो ये क्लियर है अब समझिएगा यहाँ देखो चेंज ये जो हम आपको समझा रहे हैं चेंज यही सब देखो बुक्स में बड़ा भयानकाना टर्म लिया रहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही चीज़ है बट हम यहाँ पे उसको हम मोलर के टर्म में मोलर कोफिशेंट के टर्म में सिखाते हैं याद हो इसका एक मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है तीन मोल से तो इसका कितना बन रहा है दो मोल क्योंकि ये कहाँ ये इसका मोलर रेशियो जो इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन उससे हम देख रहे हैं और से देखना फिर से क्या बोले इसका एक मोल इसके तीन मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना बन रहा है दो तो अगर एन टू मेरा एक्स टूटेगा चेन हम ले रहे हैं तो ये कितना टूटेगा थ्री एक्स मतलब ये एक रुपया खर्चा किया तो ये कितना खर्चा करेगा तीन तो ये एक्स टूटा तो ये कितना टूटेगा थ्री एक्स गौर से देखो इसके एक मोल से यह कितना बन रहा था दो मोल तो इसके एक्स से कितना बनेगा टू एक्स क्लियर है कंसेप्ट चलिए आगे सोचिए तो शुरुआत में था ये दो एक्स टूट गया तो टू माइनस सिक्स ये शुरुआत में था छः थ्री एक्स टूटा तो सिक्स माइनस थ्री एक्स ये शुरुआत में था जीरो टू एक्स बना तो टू एक्स बना क्वेश्चन में कहा था कि ए जो था मतलब एन टू जो था वो फिफ्टी परसेंट डिसोसिएट किया था गौर से देखो तो एन टू का कितना लिया था दो मोल तो दो का फिफ्टी परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा एक यानी एक्स मेरा आ गया कितना एन टू में जो चेंज निकाल रहे थे वो कितना आ गया वन क्लियर है एक्स का वैल्यू यहाँ रखिए एकम पे सबका मेरा कंसनट्रेशन आ गया यानी कि मोल्स आ गया चूंकि वहाँ वॉल्यूम वन ही लिया था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मेरा एक्मियम पे मोल्स आएगा वही कंसंट्रेशन हो गया अब कैसे लिखते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये वाला डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले हमको एक के का एक्सप्रेशन लिख दिए यहाँ दो मोल था तो पावर में दो यहाँ तीन मोल था तो एच टू का पावर तीन सबको रख दीजिए आ गया फोर बाई ट्वेंटी सेवन तो इसमें छोटा सा कैलकुलेशन रहता है और इसको समझिएगा डिसोसिएट कितना किया और ये चेंज कितना किया गया तो नहीं अगर समझ में आया वीडियो को आप बैक कीजिए पाउज कीजिए दो बार सुनिए क्योंकि ये चीज़ ये जो चेंज है ना यही निकालने में लोग एट्टी लोग गलती करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सॉरी oh, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम का हमने जितना भी टाइप्स था सारे टाइप्स से क्वेश्चन ले लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम आयन इक्विलिब्रियम को तो और एक चीज़ आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को मैक्सिमम बच्चों से शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा बूस्टअप मिले ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें ओके अगर एकदम वीडियो में और अब एक चीज़ और है कि आपको जैसा भी लगे उसको कमेंट सेक्शन में जाइए लाइक की अरे क्या जाता है अगर आप देख रहे हो तो एक तो इतना तो बनता है ना जी टीचर को मोटिवेट आपकी आपकी भी मोटिवेशन हमें चाहिए ताकि वीडियो बना सके चलिए इस तरह से हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट में हम लोग आने की वीडियो में आएंगे थैंक यू